अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत दीन के प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके घर वालों को खुश रखे। मेरे प्यारे नाज़रीन, दुआए तरवीह यानी तरावी की दुआ, आज हम आपको बताएंगे कि तरावी की दुआ किस तरह से पढ़ी जाती है। अक्सर लोग इस दुआ को पढ़ने में गलती करते हैं। आज हम आपको सही सही अल्फाज में ये दुआ पढ़कर सुनाएंगे, ताकि आज आप अपने गलतियों को सही कर लें। मेरे प्यारे नाज़रीन, तरावी की हर चार रकात नमाज के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो ये है, सुबहाना मलिकिल कुद्दूस, सुबहाना ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहाना ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत, سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجيرو يا مجيرو يا مجيرو برحمتك يا أرحم الراحمين। मेरे प्यारे नाज़रीन, अक्सर लोग इस दुआ में वल अज़मती को वल अज़मती पढ़ते हैं, हालांकि ये पढ़ना बिल्कुल गलत है। वल आज़मती को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, ना कि सुकूत के साथ। और अगर कोई इसको सुकूत के साथ पढ़ता है तो इससे माना बदल जाता है, क्योंकि वल आज़मती के माने और बुजुर्गी वाला, अजमती अजमत वाला। और अगर कोई वल आज़मती पढ़ता है तो इसका माना हुआ हड्डी, आज़मती माने होता है हड्डी। और यहाँ पर इस दुआ में अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई किबरियाई बयान की जाती है, और यहाँ पर लफ्ज़ हड्डी को लाना मुनासिब नहीं है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आप भी दुआ को अच्छी तरह से पढ़कर सुनकर दुरुस्त कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।